अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हिमाचल में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नेचर, एडवेंचर और कल्चर तीनों आपको एक साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, तो मैं चैनी कोटी का नाम लूंगा। हिमाचल के अनूठे और हिडन जेम्स में से एक चैनी कोटी हिमालयन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली को जीवंत रूप से प्रदर्शित करती है। वैसे तो चैनी कोटी पहुंचने के कई रास्ते हैं और आप जिस टाइप का एडवेंचर चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप चाहें तो बंजार से सीधे 3 किलोमीटर ट्रैक करके यहाँ पहुंच सकते हैं। ये रास्ता वैसे काफी स्टीप है और लोकल्स जनरली टूरिस्ट्स को ये रास्ता न लेने की सलाह देते हैं, पर अगर आप फिजिकली फिट हैं और देवदार के जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट ट्रेल की हाइक करना चाहते हैं तो ये ट्रैक आपको पसंद आएगा। इसके अलावा बंजार जीवी रोड यानी नेशनल हाईवे 305 पे बंजार से करीब 1 किलोमीटर आगे से एक ड्राइवेबल रोड जाती है, जिसे लेकर आप चैनी गांव के काफी पास तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम लोग खुद ड्राइव कर रहे थे, हमने यही रास्ता लिया था। पर यहां मैं आपको वार्न जरूर करना चाहूंगा, ये रोड शुरुआत में पक्की है और श्रृंगार ऋषि के मंदिर तक रिलेटिवली आसान है, पर उसके बाद रोड बिल्कुल कच्ची है और बहुत घुमावदार और मुश्किल है। कई मोड़ तो इतने संकरे हैं कि बिना रिवर्स किए गाड़ी आगे नहीं जा सकती। 4-5 किलोमीटर की इस ड्राइव में मेरे नर्व्स कंप्लीटली फ्राई हो गए थे। अगर आपको माउंटेन ड्राइविंग का बढ़िया अनुभव नहीं है तो मेरा सुझाव होगा कि आप इस रोड से न आए। आप चाहें तो श्रृंगार ऋषि के मंदिर तक ड्राइव करके आ सकते हैं और उसके बाद वहां से ट्रैक करके चैनी कोठी जा सकते हैं। इसके अलावा लोकल टैक्सी तो ऑप्शन है ही। वैसे आप जिस भी रास्ते से आए और आपकी हालत जितनी भी खराब हो, चैनी गांव में एंटर करते ही दूर से दिखाई देती चैनी कोठी की झलक आपको आश्चर्यचकित कर देती है। ट्रस्ट मी, आपको ऐसी इमारत कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। करीब 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चैनी गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के तलहटी और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। गांव के चारों तरफ सेब के बगीचे और गेहूं और जौ के लहलहाते खेत हैं, जिन्हें देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। चैनी कोठी, जिसे स्थानीय लोग ढाढ़िया कोठी भी कहते हैं, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में अपने तरह की सबसे ऊंची इमारत है। वैसे तो इस इमारत के निर्माण की तिथि के बारे में स्थानीय लोगों में सहमति नहीं है, पर लोकल रिकॉर्ड्स के अनुसार इस इमारत का निर्माण 17वीं शताब्दी में स्थानीय राजा धादू ने करवाया था। ये कोठी कुल्लू जिले की बंजार वैली में स्थित चैनी गाँव के ट्विन टेम्पल टावर्स में से एक है। ये 7 मंजिला मंदिर करीब 45 मीटर ऊंचा है और तीर्थन और बंजार वैलीज के आराध्य देवता श्रृंगार ऋषि को समर्पित है। चैनी कोठी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक काठ कुनी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी हुई है। काठ कुनी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ काठ और कोना यानी वुड एंड कॉर्नर्स है। इस शैली में मुख्य रूप से लोकली अवेलेबल मटेरियल जैसे कि लकड़ी और पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में लकड़ी और पत्थर के अल्टरनेटिंग कॉलम्स होते हैं, जो इमारत को न सिर्फ मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि भूकंप रोधी भी बनाते हैं। यही कारण था कि 1905 में कांगड़ा और कुल्लू में आए हुए भीषण भूकंप में भी इस इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उस भूकंप में सिर्फ ऊपर के 2 माले ही गिरे थे और बाकी 7 माले सुरक्षित खड़े रह गए थे। अशोक, बनाने में कितना समय लगा होगा? मतलब आपके आपके भी जनरेशन से पहले की बनी हुई है? इसका है वैसे बोलते 832 बनी। इस इमारत का प्रयोग प्राइमरली किस लिए किया जाता था ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। वैसे तो ये एक मंदिर है, पर पुराने जमाने में लड़ाई के समय आसपास के गांव के लोग इसको किले की तरह भी इस्तेमाल करते थे शरण लेने के लिए। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पेड़ के तने से बनी हुई है और लड़ाई के समय गांव वालों के अंदर आ जाने के बाद इस सीढ़ी को ऊपर खींच लिया जाता था, जिसके बाद इमारत के अंदर घुस पाना बहुत मुश्किल था। काठकुनी आर्किटेक्चर अपने आप में एक कमाल की शैली है, जो पुरानी भले ही हो पर मेरे हिसाब से ऐसी जगहों के लिए बिल्कुल सूटेबल है।
रीइंफोर्स कंक्रीट जैसी नई टेक्नोलॉजीज आने के बाद भले ही इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का प्रयोग हिमाचल के शहरी इलाकों में अब न किया जाता हो, पर हिमाचली गांवों में अभी भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे आपने हमारी इस सीरीज में देखा होगा। स्कूल कहाँ है, कहाँ जाते हैं स्कूल? और जाते कैसे, पैदल? और कितनी दूर है यहाँ से पैदल पैदल जाने में? बस हम लोग गाड़ी से आए, बहुत लंबा था गाड़ी, लंबा हम जाते हैं, शॉर्टकट लेके जाते हैं लोग। सही है। जलोरी पास कुल्लू जिले में स्थित 10,282 फीट ऊंचा एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है जो कुल्लू जिले को शिमला जिले से जोड़ता है। जैसा कि मैंने आपको तीर्थन सीरीज के पहले एपिसोड में बताया था, तीर्थन वैली पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक मनाली की तरफ से और एक शिमला की तरफ से। हम गए तो थे मनाली साइड से, पर हमने डिसाइड किया था कि हम वापस जलोरी पास होते हुए शिमला की तरफ से वापस सर्किट कंप्लीट करते हुए आएंगे। तीर्थन वैली साइड से जलोरी पास पहुंचने के लिए आपको बंजार होते हुए नेशनल हाईवे 305 लेकर के जेबी क्रॉस करके आना होगा। वैसे तो ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड है, पर यहाँ ड्राइव करना थोड़ा चैलेंजिंग है। जलोरी पास स्टॉप पे जलोरी माता का मंदिर है और यहाँ से आप कुल्लू और शिमला दोनों साइड के व्यूज देख सकते हैं। जलोरी पास से आप चाहें तो सेरोलसर लेक या फिर रघुपुर फोर्ट के ट्रेक पे जा सकते हैं। सेरोलसर लेक एक पवित्र लेक है और ऐसी मान्यता है कि पांडव अपने वनवास के समय यहाँ पे ठहरे थे। हमारे पास चूंकि ज्यादा समय नहीं था और हमें वापस नोएडा पहुंचना था, तो हम लोग ये ट्रैक्स इस बार नहीं कर पाए। पहाड़ों में हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिलता ही है। जैसे कि जब हम जलोरी पास क्रॉस करके नीचे रुके हुए थे, तो हमने इन हिमालयन शेपर्ड्स को अपने भेड़ों के झुंड के साथ देखा। इतनी सारी भेड़ों को एक साथ ले चलना और उन्हें अपने पीछे ले जाना एक कमाल की स्किल है, और ये शेपर्ड्स इनमें माहिर हैं। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारे तीर्थन वैली सीरीज का तीसरा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।